अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रियाज अहमद खान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। क्रिकेट की बेहतरी के लिए कनेक्शन कैंप का आगाज़ 22 सितंबर से होने जा रहा है। इस इजलास की सदारत पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी खुद करेंगे। इसका मकसद जो है क्रिकेट को बेहतर बनाना है। इस इजलास में जो है वो रेड बॉल और वाइट बॉल के कोचेस भी मौजूद होंगे, उन्हें भी इस इजलास में शिरकत की दावत दी गई है, क्योंकि अभी तक जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रेस्टन जो है ना साउथ अफ्रीका और बिलतरतीब ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो 22 तारीख को वो भी वापस आ जाएंगे। तो इसके अलावा जो पीसीबी के ऑफिशियल हैं सीनियर, वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। तो इसके साथ साथ 6 सीनियर क्रिकेटर भी इस इजलास में शरीक होंगे। तो इस इजलास का जो मकसद है वो मुस्तकबिल का लाहे अमल बनाना है कि मुस्तकबिल में क्रिकेट को किस तरह संवारा जाए और किस तरह इसका जो लाहे अमल है वो बनाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान ने एक बदतरीन कारकर्दगी दिखाई थी T20 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान ही में आकर पाकिस्तान को शिकस्त दिया, जो कभी पाकिस्तान से जीत ना सका था। तो ये जो है ना, ये एक बहुत अलमिया है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। तो अब इसी वजह से ये इजलास बुलाया गया है। तो इसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं, कप्तान के बारे में भी, कानून के बारे में भी, खिलाड़ियों के पाबंदी के बारे में भी कुछ सख्त कानून बनाए जाएंगे इसके लिए मुस्तकबिल में। तो देखते हैं कि 22 सितंबर को कैसे फैसले होंगे, तो किस तरह के फैसले होंगे, 22 सितंबर को इसका पता चल ही जाएगा। तो सो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।